गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास. गुड मॉर्निंग मैम. हाउ आर यू? फाइन. गुड. अब हम करेंगे फिजिकल का लेसन 6. शरीरक प्रणालियों का प्रारंभिक ज्ञान पहले भी हम कर चुके हैं ना. आज हम इसमें क्या करेंगे, रक्त में लाल कण और सफेद कण जो होते हैं उसके बारे में हम रीड करें. ठीक है, पहले भी हम इसमें आपके जोर का, श्वास प्रणालियों का, ठीक है, जोर कितने प्रकार के होते हैं और अस्थि संस्थान जो सारा किया. आज हम करेंगे रक्त में लाल और सफेद कण. लाल और सफेद जिसका रीड करें निशान. रक्त में लाल रक्त कण, सफेद कण और प्लेटलेट्स के बारे में लिखो. लाल रक्त कण, मनुष्य के लाल रक्त कण गोल तथा दोनों ओर से चिपके होते हैं. मनुष्य के 1 किलोमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 50 लाख होते हैं. ये हाँ जी, आवाज भी आपको क्लियर नहीं आ रही. लाल रक्त कण, मनुष्य के लाल रक्त कण गोल तथा दोनों ओर से चिपके होते हैं. मनुष्य में 1 किलोमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है. ये इतने छोटे होते हैं कि यदि किनारे से किनारे मिलाकर रखा जाए तो 2.5 वर्ग सेंटीमीटर स्थान में ये लगभग 1 करोड़ आ जाएंगे. इनकी बाहरी पर एक लचीले खोल के रूप में होती है जिसके अंदर पीले रंग का लोहे का एक रंग होता है जिसे होमोग्लोबिन कहते हैं, जो लोहे तथा प्रोटीन वस्तुओं से मिलकर बनती है. होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चूस लेता है जिससे इसका रंग चमकदार हो जाता है. वह ऑक्सी होमोग्लोबिन में बदल जाता है. इसी पदार्थ के कारण रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को चूसकर शरीर के भीतर भाग तक पहुंचाता है. लड़कियों में लाल रक्त कण लड़कों की अपेक्षा कम होते हैं. अधिक व्यायाम करने से तथा ऊंचाई पर लाल रक्त कणों की संख्या बढ़ जाती है. इसमें आपको जो आपकी बॉडी में लाल कण ब्लड में होते हैं, रक्त में होते हैं, उसके बारे में बताएगा. आप चेक करवाते हो ना कभी किसी की बॉडी में लालपन ना आके सफ़ेद आना शुरू हो जाता है. हाथ भी देखते हो लाल ना होके सफ़ेद होते हैं तो सब क्या कहते हो, अपना एच भी चेक करो, होमोग्लोबिन चेक करो. तो उसमें ये होता है कि अगर वो मात्रा कम हो जाती है तो आपकी बॉडी में जो आपको लालपन दिखता है वो सफ़ेदपन में आ जाएगा, जिससे आपके सफ़ेद कण होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे. तो भाई क्या कहते हैं आपको, क्या क्या खाने को, जूस पियो, गाजर का, अनार का, जिससे आपकी बॉडी में होमोग्लोबिन जो है वो बढ़ जाए कि आपकी बॉडी भी ठीक. इसमें आपको एक बार इनका दोबारा आप रीड करें और इनमें से देखना 5-6 ज़्यादा क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के बन जाते हैं. ठीक है, होमोग्लोबिन क्या चूसता है, ऑक्सीजन को चूस के कहाँ से, फेफड़ों में से चूस के पूरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं. जो ब्लड हमारा जाता है, ऑक्सीजन भी जाती है, वो ब्लड के अंदर लाल कण में जाके ऑक्सीजन पूरी बॉडी के हमारे शरीर में जाती है. और इसके
कितनी संख्या होती है एक किलोमीटर में? 50 लाख। अगर आप इस पैरे को एक बार फिर पढ़ोगे तो आपको इसमें से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे 1-1 मार्क्स। एक बार मैं फिर दोबारा पढ़ देती हूँ ताकि आप एक बार फिर इसमें से अपने क्वेश्चन ढूंढोगे। लाल रक्त कण, मनुष्य के लाल रक्त कण गोल तथा दोनों ओर से चिपके होते हैं। मनुष्य के एक किलोमीटर रक्त में इनकी संख्या लगभग 50 लाख होती है। ये इतने छोटे होते हैं यदि किनारे से किनारा मिलाकर रखा जाए तो 2.5 वर्ग सेंटीमीटर स्थान में ये 1 करोड़ के पास होंगे। इतनी कम जगह ये लेते हैं। इसके बाहरी पर एक लचीले खोल के रूप में होती है जिसके अंदर पीले रंग का लोहे का एक रंग होता है। कौन सा रंग होता है? पीले रंग का, जिसको हम क्या कहते हैं? होमोग्लोबिन, जो के लोहे तथा प्रोटीन वस्तुओं से मिलकर बनती है। होमोग्लोबिन ऑक्सीजन को चूस लेता है, इससे इसका रंग चमकदार हो जाता है। जो आपका ब्लड जो होता है चमकदार होता है ना, लाल निकलता है तो किससे होता है जी? आपका ऑक्सीजन जब अपनी बॉडी से ले लेता है उससे जी आपका चमकदार हो जाता है और ये ऑक्सी होमोग्लोबिन में बदल जाता है। इसी पदार्थ के कारण रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को चूसकर शरीर के भीतरी भाग तक पहुंचाता है। अधिक व्यायाम करने से तथा ऊंचाई पर जाने से ये हमारी ये बॉडी में जो लाल कण है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आप इसमें से अभी 5 क्वेश्चन लिखें, जल्दी लिखें। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन बनाएं। जो भी इसमें आप करोगे साथ साथ अगर क्वेश्चन बनाओगे तो आपको ये पूरा लेसन ध्यान से ही अच्छे से याद भी हो जाएगा। जल्दी से लिखें। जल्दी से 5 क्वेश्चन। लाल रक्त कण कौन सी शेप में होते हैं? गोल। टू पॉइंट फाइव वर्ग सेंटीमीटर में कितने कण होते हैं? 1 करोड़। ये क्वेश्चन आपके बनेंगे इसमें से। होमोग्लोबिन किसे कहते हैं? बॉडी के अंदर जो पीले रंग का लोहे का रंग होता है उसको होमोग्लोबिन कहते हैं। होमोग्लोबिन क्या चूसता है? ऑक्सीजन चूसता है। कहाँ से? फेफड़ों में से ऑक्सीजन लेता है और पूरी बॉडी में पहुंचाता है। जल्दी से करें। गुड। हाँ जी, यही आपके 5 क्वेश्चन बन गए। सफेद रक्त
लटकन। ध्यान से अभी सुनते जाओगे और साथ साथ आपके क्वेश्चन अपने माइंड में भी आते जाएंगे। सफेद रक्त कण पहले थे लाल और हमारी बॉडी में सफेद भी होते हैं, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी सफेद पन में ज्यादा आनी शुरू होती है। शरीर की तुलना एक राज्य से की जा सकती है, जिस प्रकार राज्य की सुरक्षा के लिए सेना का प्रबंध होता है इसी प्रकार शरीर रूपी राज्य के लिए सफेद रक्त कण रूपी सेना का प्रबंध है। सफेद रक्त कणों की संख्या लाल रक्त कणों की अपेक्षा कम होती। शरीर में लगभग 600 लाल रक्त कण के पीछे एक सफेद कण होता। लाल जो रक्त कण अगर 600 है, इनकी रेशो जो है वो 600:1 हो, लाल जो है 600 और सफेद जो है वो 1 होता। एक घन किलोमीटर में सफेद रक्त कणों की संख्या लगभग 8,000 से 10,000 तक होती है। ये रंगहीन और बेडोल आकार के होते हैं। इनकी सहायता से शरीर रोगों का सामना करता है। ये रंगीन और बेडोल आकार के होते हैं। इनकी सहायता से शरीर रोगों का सामना करता है। इनका कार्य रोगों के कीटाणुओं को घेर कर उन्हें समाप्त करना है। शरीर में चोट आदि लगने पर ये घावों को भरने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये हमारी जो बॉडी में है सफेद जो है वो हमारी बॉडी में एक क्या बनाते हैं, सीमा का काम करते हैं। पहले सफेद आते हैं उसके बाद रेड कलर में हो। वो जो बाहरी जो चोट लगती है जो आपको जब किसके बताया समान राज्य के समान, ठीक है, बाहर क्या सीमा खड़ी होती है, फौजी खड़े होते हैं, वो अंदर किसी को भी नहीं घुसने देते। वो उनको घुसने से पहले उनको हमला करेंगे, मारेंगे, लेकिन अगर जो हैवी हो जाए तो वो उस राज्य के अंदर भी घुस सकते। ऐसे ही हमारे ये हैं सफेद कण है, ये भी पहले अगर आपकी बॉडी में कोई भी रोग आता है पहले उसका मुकाबला करते हैं। अगर ये पावरफुल हैं तो रोग जो होता है उसको वहीं ख़त्म कर देते, वो आपकी बॉडी में एंट्री नहीं कर सकता। अगर ये रोग के कण ईश्वाशुद्ध के रोग जो आप कर रहे थे पहले भी, अगर ये पावरफुल हैं तो ये रक्त कणों को मारते हुए आगे निकल जाएंगे, पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, जिससे आपको कई तरह के रोग लग जाएंगे। तो ये हमें एक राज्य की सीमा हमारी जो बॉडी है ये एंट्रेंस पे, यहाँ पे ब्लड भी अगर कभी कभी देखते हो ना चोट लगती है स्किन पे तो हमारी हल्की सी रगड़ी लगती है लेकिन ब्लड नहीं निकलता, वो जो चोट है वो अंदर तक नहीं जाती, पहले हमारे सफेद कणों तक पहुंच जाती है और वहीं से ही ख़त्म हो जाती है। अगर वो ज़्यादा जा लगे तो वो हमारी बॉडी के अंदर तक ज़्यादा कट लग जाए तो वो फिर जो लार होते हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये पहले जो होते हैं किसके समान होते हैं, एक सैनिकों की तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आ जाता कि ये आपके सफेद कण कैसे होते हैं, सैनिक की तरह। नेक्स्ट प्लेटेस्ट, मनुष्य के रक्त में लाल तथा सफेद रक्त कणों के अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का रक्त कण भी पाए जाते हैं जिन्हें रक्त प्लेट्स कहते हैं। ये लाल और सफेद कणों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, अलग से होते हैं। ये लाल कणों का 1/2 या 1/3 होते हैं। जितने भी हमारे शरीर में लाल कण होंगे, लाखों में हजारों में जितने भी होते हैं उसका 1/2 करके, करोड़ों में भी हो सकते हैं, पता है ना, तो आपका इसका 1/2 या 1/3। रक्त के एक घन मिलीमीटर में इसकी संख्या लगभग 3 लाख होती है। ये सफेद और बेडोल आकार के होते हैं। ये प्रमुख इनका प्रमुख कार्य रक्त के बहने से रोकना है। जब ये आप
कहीं बीमार हो जाते हो तो कहते नहीं कि इंसान के अंदर जो प्लेयर्स है वो कम हो गए। पीछे क्या था, डेंगू बुखार चला था, जिससे जी आप हमारी बॉडी के प्लेयर्स होते एकदम बिल्कुल डाउन होने शुरू हो जाते। डाउन हो जाएंगे तो अंदर जाके वो अपने जब खत्म हो जाते हैं तो बॉडी में क्या रहता है, कुछ वो लाल कण और दोनों कणों को खत्म करना शुरू करते हैं। इनकी संख्या तेजी से बढ़ती है और तेजी से ही कम होती है। हमारी बॉडी में जितने लाल कण है उसका 1/2 या 1/3 अगर इससे कम ज्यादा हो जाए तो भी नुकसान देते। ठीक है, ये थे आपके लाल सफेद कण और प्लेट्स के बारे में। इसके बारे में अभी एक बार रीड करें सभी जल्दी से। जल्दी रीड कर लें इनको। और इनमें से क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चन भी बनाने हैं। इनमें से 1 मार्क्स के और 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग से भी आ सकता है। लाल कण के ऊपर नोट लिखें, सफेद कणों के बारे में नोट लिखें। हाँ जी, एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको। पाचन संस्थान के विभिन्न अंगों के नाम। पाचन जिससे हम जो खाते हैं डाइजेस्ट हो, क्या क्या कहते हैं उनमें, क्या आएगा, दांत, फिर जीनहा जो जीव होती है हमारी जो भी है, ठीक है, लुआब ग्रंथियां, मैदा, पकवाश, छोटी आंत तथा बड़ी आंत। साइंस में आपने जी सब कुछ कर रखा है, ठीक है। तो आप इसके अगर पेपरों में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कुछ वर्ड इंग्लिश में यूज कर सकते हो। अगर साइंस में आप कहते हो कि हमें वो वर्ड आते हिंदी में तो पता नहीं चल रहा, तो हमें जो डाइजेस्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है वो सारे पॉइंट इसमें लिख लो, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, लेकिन ये नहीं कि टोटल इंग्लिश में, क्योंकि इसमें जो आपका में हिंदी चल रहा तो साथ में हिंदी भी चल, ठीक है। ये सारे पॉइंट इसके बारे में आपने लिखने हैं। डियोड्रम क्या होता है, डियोड्रम ये पकवाश नेक्स्ट हाँ जी मानसी क्वेश्चन रीड करना। संस्थान किसे कहते हैं, संस्थान से हमारा अभिप्राय शरीर के विभिन्न अंगों के एक ऐसे समूह से है जो किसी एक ही प्रकार की शारीरिक क्रिया पूरे करने में सहायक होते हैं, जैसे श्वसन। संस्थान के अंग श्वास क्रिया में मिलकर भाग लेते हैं। ये आपका बड़े क्वेश्चन में भी आ जाता है, उसी में से छोटा क्वेश्चन भी हम लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अस्थि संस्थान क्या है। अस्थि संस्थान शारीरिक ढांचा जिसको अस्थि संस्थान कहते हैं, 206 छोटी बड़ी हड्डियों से बना हुआ है। हड्डियां ही शरीर को आकार देती हैं तथा मांसपेशियों द्वारा जुड़ा रहने के कारण शरीर में हरकत पैदा करती हैं। इसके सहारे ही शरीर हिलता डुलता तथा काम करता है। हड्डियां ही शरीर के अंदर के कोमल अंगों की रक्षा करती है, वे शरीर के अंगों को सहारा देती है और शरीर को सीधा रखती है। तो ये आपके बड़े क्वेश्चन में से ही मैंने छोटे क्वेश्चन बताए हैं। आपने अपने अपनी नोटबुक के ऊपर जितने भी हमने बड़े बड़े क्वेश्चन किए हैं उनमें से 1 मार्क्स और 2 मार्क्स आपको पेपरों में 5, 3, 2 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप सारे बड़े क्वेश्चन को अच्छे से एक बार पूरे लेसन को रीड कर लेते हो, वो पूरा ही टॉपिक अगर उसके बारे में पूछा है तो 5 मार्क्स का आ जाएगा, नहीं तो छोटा छोटा नोट आएंगे तो वो
थ्री टू और वन मार्क्स के लिए तो सिंगल क्वेश्चन, वन मार्क्स में आपके एमसीक्यू में भी आते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जिनके हमें आंसर देने होते हैं, कुछ होते हैं जो हम एमसीक्यू में लिखते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में कितनी हड्डियाँ हैं? 206। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है और इसमें एमसीक्यू में भी आ सकता है। 206 ऑप्शन 106 205 लिखा जाता है। तो आपको इनको अच्छे से पूरे लेसन को रीड करना ताकि आपको इनमें से सारे क्वेश्चन बन सके। ठीक है, वन मार्क्स के, टू मार्क्स के, ये सारे क्वेश्चन आपको इसमें होने चाहिए। जैसे फेफड़े किस संस्थान का मुख्य अंग है? श्वास संस्थान का। फेफड़ों से क्या कहते हैं? सांस लेते हैं ना, तो किसका है? श्वास संस्थान का। प्लाज्मा का मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा रक्तचाप, जो आपका कहते हैं ना बीपी हाई हो जाना, लो हो जाना, प्लाज्मा क्या करता है? उसको कंट्रोल में रखता है। गुर्दा किस संस्थान का अंग है? गुर्दा मल विसर्जन का। ये अलग अलग से जो आप इनमें से पढ़ते हो। होमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन को, फेफड़ों में से ऑक्सीजन को लेना और पूरे शरीर में। ठीक है, यही आपके शरीर में। ठीक है, जो आप अपने क्वेश्चन में करते हो वो आप साइंस में भी कर चुके हो, तो इन्हीं चीज़ों में हमने। छाती में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 25। यही आपने इस लेसन में से जो हमने लेसन पढ़ा और हमने क्वेश्चन लिखे हैं और देखे हैं, और आपने भी अपनी नोटबुक के ऊपर जितना भी मैंने इसके बारे में, अस्थि संस्थान के बारे में, रक्त के बारे में, जोड़ों के बारे में सब बताया है, और आप उसमें से क्वेश्चन बना के लिखो। ठीक है, साथ साथ करते जाओगे, साथ साथ आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं, और अपनी प्रैक्टिकल फाइल साथ साथ कंप्लीट करते जाएं, क्योंकि मैं बार बार आपको कह रही हूँ इसके आपके मार्क्स हैं, चेक होगी। ठीक है, और बोर्ड में जब भी होंगे आपका प्रैक्टिकल होगा, तो ये प्रैक्टिकल फाइल सबसे पहले चेक होती है। ठीक है, साथ साथ अपना काम करते हैं। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।